तो इस मूवी के शुरू में हम बाइली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने बताया कि हमेशा अपने काम में बिजी रहने की वजह से मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया और अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूंगी। सीन के ठोकर हमें एक अजीबो गरीब सा वीएन दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता अभी कि ये सब क्या है। खैर, अभी हमें हाइडी और उसके कलीग को दिखाया जाता है। ये लोग वंडरलैंड नामी एक कंपनी के लिए काम करते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन बनी है, जिस स्क्रीन में ये लोग बाइली को देख पा रही है और बाइली इस टाइम एक एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट पर उसके पास एक पैसेंजर आकर बैठता है, जिससे उसकी काफी बातें हुई, जिसके बाद अपनी फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनकर वो यहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हमें बाइली को एक रेगिस्तान में दिखाया गया, जहाँ वो काम करने के लिए आई थी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। यहाँ पहुँच कर वो अपनी मॉम को कॉल करती है, जिनके पास बाइली की बेटी भी थी। बाइली की बेटी उससे नाराज लग रही थी, क्योंकि बाइली बिना बताए उसे छोड़कर इतने दिनों के लिए उससे दूर चली गई। अब सीन ही से कट होकर हमें नए सीन में एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। वो अपनी सैटेलाइट से ही जमीन पर जियांगिन नामी लड़की को कॉल करता है। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसे बहुत प्यार करता था और बहुत ख्याल रखता था। यहाँ तक कि इतना दूर बैठे हुए भी वो उसे जगाता भी था, उसकी मेडिसिन और हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हुए वो उसे इन चीजों को याद दिलाता था। ये लड़का ही नहीं बल्कि जियांगिन भी उसे बहुत प्यार करती है। वो एयर होस्टेस है। ऐसे में उसे बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने किसी का प्रपोजल कबूल नहीं किया। वो सालों से अपने बॉयफ्रेंड का वापस जमीन पे आने का वेट कर रही है। सीन इसे चेंज होता है और हम उस एस्ट्रोनॉट को हॉस्पिटल में देखते हैं। हमें मालूम हुआ कि एक एक्सीडेंट की वजह से ये एस्ट्रोनॉट कोमा में जा चुका था। सबसे बड़ा सच यहाँ ये रिवील हुआ कि जियांगिन जिससे बातें करती है वो हकीकत में उसका असल फियांसी नहीं है, वो उसकी फियांसी का एक AI वर्जन है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस मूवी में एक वंडरलैंड नामी कंपनी है, जिसकी एम्प्लॉय हाइडी और उसके साथी से हम पहले मिल भी चुके हैं। ये दोनों मिलकर उन इंसानों की AI वर्जन बनाते हैं, जो इंसान या तो मर गए हो या कोमा में हो, ताकि उनसे बात करके उनकी फैमिली को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। फिर लोग इन AI वर्जन से वीडियो कॉल पे ऐसे बात करते हैं जैसे वो सच में जिंदा हो, और अक्सर लोगों को तो ये बात मालूम भी नहीं होती। जियांगिन जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा याद करती थी, वो उसके कोमा में जाने के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसके बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का AI वर्जन बनवाया हाइडी से। ये AI वर्जन आदतों और बातों में असल इंसान से इसलिए मिलता जुलता है, क्योंकि AI वर्जन बनाने से पहले अक्सर इंसान खुद इस AI वर्जन से बात ही करते हैं, ताकि वो ठीक उस जैसा हो जाए। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट तो कोमा में जा चुका था, इसीलिए खुद ही जियांगिन ने उसकी प्रोफाइल बनाई। ऐसे में जब भी वो एस्ट्रोनॉट की AI वर्जन से बात करती थी, तो वो उसे सैटेलाइट के अंदर ही दिखता था। खैर, यही वंडरलैंड के अंदर हम हाइडी और उसके क्लीग को एक नया करेक्टर डिजाइन करते हुए दिखते हैं, जिसे बनाने का ऑर्डर उसके ग्रैंडमा ने दिया था। इस करेक्टर को बनाने के बाद ये लोग उस ओल्ड लेडी को इस करेक्टर का डेमो भी देते हैं, जिस डेमो में ये AI करेक्टर उस ओल्ड लेडी से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सच में उसका पोता हो। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। यहाँ हाइडी ओल्ड लेडी को बताती है कि वंडरलैंड के अंदर भी आप लोग जो चाहे अपने प्यारों के लिए खरीद सकते हैं, जैसा कि कपड़े, कार्स, चीजें। ये सुनकर ग्रैंडमा भी इस नए AI करेक्टर के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। यहाँ से फारिग होकर हाइडी और उसका क्लीग लंच करने के लिए चले गए, जहाँ जाकर हमने देखा कि हाइडी को उसके पेरेंट्स की कॉल आई, जो हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे, क्योंकि हाइडी ने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया था। अपने पेरेंट्स की रोज रोज की इन बातों से हाइडी तंग आ चुकी थी, उसके काम पे भी फर्क पड़ता था, इसीलिए हाइडी की क्लीग ने उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का डिसाइड किया। इसके बाद हमें इन चारों को एक साथ डिनर करते दिखाया जाता है, लेकिन इस टाइम हाइडी के पेरेंट्स वीडियो कॉल पे थे। सीन के ठोकर हमें जियांगिन को दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल से ये खुशखबरी मिली कि उसके बॉयफ्रेंड को होश आ गया था, वो कोमा से निकल आया है। उसके होश में आने से जियांगिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड की AI वर्जन की भी जरूरत नहीं रही थी, इसीलिए वो उसकी AI वर्जन को भी बंद कर देती है। जियांगिन उसे अपने घर ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर जाता है। वो अब अपनी पहले वाली रूटीन की तरफ वापिस आने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ हाइडी अब उस ओल्ड लेडी से मिलती है, जिन्होंने उनसे अपने ग्रैंडसन यानी पोते का AI वर्जन बनवाया था। उसके ग्रैंडमा अब दो तो जॉब्स करने लगी थी, क्योंकि इनके ग्रैंडसन का AI वर्जन इनसे बहुत सारी फरमाइशें करने लगा था। हाइडी को लगा कि शायद उनके सिस्टम में कोई इशू है, लेकिन फिर उसकी ग्रैंडमा ने बताया कि उनका असल पोता भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ था, इसीलिए उनका AI वर्जन भी उनसे ऐसे ही फरमाइशें करता है। सीन्स की
से बायले की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो इस टाइम अपनी मॉम से बात कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है क्या आपको ये स्कार्फ चाहिए, लेकिन उसकी मॉम ये कहकर फोन काट देती है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जैसे वो बायले से नाराज हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बायले की मॉम वंडरलैंड की सर्विस को खत्म कर रही थी। यानी इतना बड़ा सच ये रिवील हुआ कि कहानी के शुरू में हमने जिस बायले को देखा था और जिस बायले से उसकी वीडियो या उसकी मॉम बात करती थी, वो भी सिर्फ बायले का AI वर्जन ही था, क्योंकि हकीकत में तो बायले मर चुकी थी। और यहाँ एक सच हमें ये रिवील होता है कि जो कन्फेशन हमने मूवी के शुरू में सुना था वो बायले का अपना ही था। बायले ने खुद वंडरलैंड की ये सब्सक्रिप्शन ली थी ताकि वो महीने के बाद भी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस होने ना दे। अब सीन वंडरलैंड की वर्चुअल दुनिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ बायले को दिखाया जा रहा है। बायले के पीछे वही इंसान है जिसे हमने बायले के साथ एयरपोर्ट पे भी देखा था। यहाँ ये वर्चुअल सिस्टम वाली बायले उस लड़के से अपनी प्रॉब्लम शेयर कहती है कि उसकी मॉम पिछले कई दिनों से उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो लड़के से कहती है मुझे लगता है कि ये सब सच नहीं है। इनकी बातों के दौरान यहाँ कोई बायले के सामने बैठे हुए लड़के को आवाज देता है और लड़का यहाँ से चलना चाहता है। हम देखते हैं कि उस लड़के को असल में हायरी ने बुलाया था, वो भी असल दुनिया में। ऐसे हमें ये बात मालूम हुई कि ये लड़का अभी जिंदा था और जिंदा इंसानों के भी वंडरलैंड AI वर्जन बना लिया करती थी। इस लड़के ने खुद अपना AI वर्जन बनवाया था ताकि वो वंडरलैंड के अंदर जा सके, क्योंकि उसे बायले से बहुत ज्यादा प्यार था, वो उसके साथ रहना चाहता था। और ये एक ही तरीका था उसके पास कि वो किसी तरह बायले के साथ रह सके, जो वंडरलैंड में जाकर मुमकिन हो पाया। यहाँ दूसरी तरफ जियोंगिन को लगने लगा था कि कोमा से वापस आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफी अजीब बिहेव करने लगा है। वो उसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता, अब पार्टीज करने लगा है और उससे काफी दूर हो गया है। उसे तो AI वर्जन वाले अपने बॉयफ्रेंड की आदत हो गई थी, जो उसे जगाता था, उसे मेडिसिन याद करवाता था, उसका ख्याल रखता था। इन सभी चीजों से तंग आकर वो भी दोबारा उसके AI वर्जन को एक्टिवेट कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायले का फोन उसकी बेटी ने उठा लिया था। बायले अपनी बेटी से बात करती है और उसे बताती है कि कुछ दिन बाद वो घर वापस आने वाली है। ये सुनकर फौरन उसकी ग्रैंडमा यहाँ आई और उस बच्चे के हाथ से फोन पकड़कर बायले का फोन काट दिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी झूठी उम्मीद में जिए। वो जानती थी कि बायले यहाँ वापस कभी नहीं आ सकती, इसलिए अब उन्होंने फैसला किया कि वो बायले की बेटी को अपने गांव ले जाएंगी ताकि अपनी कजन्स के साथ बिजी होकर उसे अपनी मॉम को बोलने में आसानी हो। ये बात वर्चुअल दुनिया में बायले सुन चुकी थी और उसकी बात सुनते ही वहाँ उसकी वर्चुअल दुनिया में आग लग जाती है। सिंकट होकर हमें उस जवान बच्चे के AI वेरिएंट को दिखाया जाता है जिसे उसकी ग्रैंडमा ने बनवाया था। उसे बताया जाता है कि अब उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, उसे अब इस AI दुनिया में डिलीट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा, क्योंकि अब उसकी ग्रैंडमा जिंदा नहीं रही जिसके लिए उसे बनाया गया था। दूसरी तरफ जियोंगिन के बॉयफ्रेंड को भी ये बात पता चल जाती है कि जियोंगिन उसमें इंटरेस्ट छोड़कर उसके AI वर्जन से ये बातें करने लगी है। जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा बायले को दिखाया जाता है। बायले की बेटी एयरपोर्ट से उसे फोन करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो बात कर पाती, उसकी ग्रैंडमा ने उससे उसका फोन खींच लिया, जिसके गुस्से में वो बच्ची ग्रैंडमा के पास से भाग गई और एयरपोर्ट पर गुम हो गई। ये बात बायले जान चुकी थी, वो अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो अब अपनी वंडरलैंड की दुनिया में अपनी लेकर इधर उधर घूमने लगी। और ऐसे हमें ये बात मालूम हुई कि बायले वंडरलैंड की एक ऐसी करेक्टर है जिसे अपनी हकीकत पता ही नहीं। वो अपने आप को एक असली इंसान समझती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आना चाहती है। और यही वजह है कि अब वो एक ऐसी AI बन गई है जिसके ऊपर इंसानों का यानी हायरी और वंडरलैंड का कंट्रोल नहीं रहा। और अब ना चाहते हुए भी बायले बहुत सारे लोगों के AI वर्जन को हैक कर रही थी। वो असली दुनिया में जाकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। उसकी दुनिया में उसके सामने बहुत सारे पहाड़ दबाव रहे थे, आग लग रही थी और उसके रास्ते में और भी मुश्किलें आ रही थी, जिसका मतलब था कि वंडरलैंड का सिस्टम क्रैक हो रहा है। दिखाया जाता है कि बायले अपने सामने आने वाली फायरवॉल को तोड़ कर अंदर चली गई, यानी वो वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चली गई। और इस जगह बायले को मालूम होता है कि वो सिर्फ एक AI प्रोग्राम है, जबकि असल दुनिया में हम देखते हैं कि हायरी और उसका क्लीग पूरे सिस्टम को रीसेट करना चाह रहा था, क्योंकि अगर रीसेट ना किया जाता उस सिस्टम को तो बायले बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती सिस्टम को। सिस्टम को रीसेट करते हुए एकदम से हायरी को स्क्रीन के ऊपर बायले नजर आती है। हायरी को ऐसा लगता है कि जैसे बायले उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बायले के हाथ में दे देती है। सिस्टम के एक्सेस मिलते ही
बाई लीव वर्चुअल दुनिया के अंदर उसी एयरपोर्ट में पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी गुमी थी। एयरपोर्ट में मौजूद सभी लोगों के फोन्स हैक करके वो जियोंग इनके बॉयफ्रेंड के सर के अपनी बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अपनी बेटी के मिल जाने के बाद बाई ने सिस्टम से और छेड़छाड़ करना बंद कर दी थी, और क्योंकि वो खुद ही हकीकत जान गई थी कि वो एक एआई वर्जन है, इसलिए अब वो अपनी बेटी को भी सब सच बताना चाहती थी। वो अपनी बेटी को बता देती है कि वो सिर्फ एक एआई सिस्टम है, कोई असल इंसान नहीं, और ना ही कभी वो अपनी बेटी के पास अपने घर आ सकती है। उसकी बेटी काफी समझदार थी, वो उसकी बात को समझ गई और उसने कहा, अगर आप यहाँ नहीं आ सकती तो कम से कम मैं आपसे इस वर्चुअल दुनिया में तो जुड़ सकती हूँ ना, एटलीस्ट जैसे आप अब मुझसे बात कर रही हैं ऐसे ही मुझसे हमेशा बात कर सकती है ना। जिसके लिए ये आर्टिफिशियल बाइली के साथ साथ उस बच्ची की ग्रैंड मॉम भी मान जाती है, जिन्होंने पहले बाइली के सिस्टम को बंद करने की कोशिश भी की थी। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि वंडरलैंड के ऑफिस में हायरी पूरे वंडरलैंड के सिस्टम को रीसेट करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से बाइली भी रीसेट हो गई और इस वर्चुअल दुनिया में उसकी लाइफ फिर वहीं से स्टार्ट हुई, उसी एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई जिस एयरपोर्ट पे हमने उसे मूवी के स्टार्ट में देखा था। बाइली को पुराना कुछ याद नहीं था, इस टाइम उसे एयरपोर्ट पे वही पहले वाला पैसेंजर भी मिला, और यहाँ हमें मालूम हुआ कि इस पैसेंजर को पुरानी सारी बातें याद है, यानी वो रीसेट नहीं हुआ और वो अभी तक हायरी के कंट्रोल सिस्टम से बाहर है। दूसरी तरफ अब हमें जियोंगिन और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा उदास था। एकदम से जियोंगिन पीछे से आकर उसके गले लग गई, क्योंकि अब वो जान गई थी कि जियोंगिन जीता जागता इंसान है, कोई एआई नहीं जो उसके अकॉर्डिंग सारे काम करेगा। उसे ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। इस एस्ट्रोनॉट को भी अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था, वो भी अच्छे तरीके से इस नई जिंदगी की शुरुआत करता है, और आखिर में जियोंगिन उसके एआई वर्जन को डिलीट कर देती है, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।